असा पर ठीक याद है भाई ये वक्ती तौर मैं को राजी के रही हूं टमाटर पंजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ। यहाँ पर सहाबा कराम की एक कब्र है, पहले तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आए हैं, आज कुछ खाने पकाने का प्रोग्राम भी है, तो चलिए आपको विज़िट करवाते हैं। ये सामने बहुत बड़ी कब्र है और इसके साथ भी और भी बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं। तो ये कहते हैं कि सहाबा कराम की कब्र है। ये देखें, ये इतनी बड़ी कब्र, ये है कब्र। ये जहाँ पर ये लकड़ियाँ जो ठोकी हुई हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग मन्नतें मांगते हैं, तो यहाँ पर लकड़ी को ठोक कर मन्नत मांगी जाती है। और ये है साहब अकराम की कब्र। ये है कब्र की लंबाई। तो हम अभी खाना पकाना शुरू करते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी 12 हो चुके हैं, 12:30 दिन के। ये यहाँ पर ये चूल्हे बने हुए हैं पहले से, ये एक पार्टी आई हुई है पहले से और पका कर खा रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर पहले से आए हुए हैं और था ही पकाई नहीं हर शे घर पका क्या दिखे। अच्छा नहीं खाओ तो सा असा बनाने अपना ये इन्होंने घर से बना कर लाए हैं। ये टाइम बाय ना जो हमें दावत दी है करूंगा ना। इट फाइट है ना पूरी दुनिया जैसी ये देने बस बस गेनो जी बनाने लगा चेहरा ही दिखा भाई कोई भी कौन बनाता है के बहुत ज्यादा शोर आई तेरी बहुत बस। ये तबरक हम चख रहे हैं यार, एक बात बताऊं आपको, हमने तबरक को चखा और हम मारा मेरा तो पेट भर गया है, अभी भूख खत्म हो गई है क्योंकि अभी दिन के 1 बजने वाले हैं। तो अभी सामान उतार रहे हैं यहाँ, ये देखें बाइक से, और अभी कुकिंग शुरू करनी है हमने। मुझे तो वैसे भी भूख नहीं लगी, पता नहीं क्या मैंने आज खाया था सुबह। तो अभी रेडी होते हैं, ये पड़ा है चूल्हा और यहाँ पर बनाएंगे हम ये सारा सामान। रोटी पकी पकाई होटल से ली है। तो एडवेंचर करते हैं आज, फिर आपको एक बार एडवेंचर दिखाते हैं कि कैसा एडवेंचर होगा हमारा। ये सामान वगैरह है हमारे पास। मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हम जो होती है ना चमची जिसे कहते हैं चमची कड़ची, वो हम भूल गए हैं, जो देगची में ऐसे ऐसे फेरते हैं। तो अब ये यहाँ पर करना पड़ेगा, हमें सरवाइव करना पड़ेगा, कोई देसी जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई लकड़ी वगैरह ढूंढते हैं जो हमें देगची में मारेंगे, वहाँ घूमेंगे घुमाएंगे। और जो ये देसी हम मुर्गी लाए हैं आज देसी, ये जो है हाईब्रिड वाली वो ब्रायलर मुर्गी होती है, ये वो नहीं है, ये देसी फार्मी मुर्गी है। तो इसे पकाना और गालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आज देसी जुगाड़ करके हम इसमें जो इसका चम्मच होता है या चमची होती है या कड़ची होती है, तो इसको हम देसी जुगाड़ से पकाएंगे आज। ये खड़िया है, ये यहाँ से कोई चीज़ तोड़ते हैं, ये लकड़ी तोड़ेंगे हम ताज़ी, तो इससे हम बनाएंगे कड़ची चमची। अभी
अल्लाह अकबर जवानी तो है कि ये हम अपनी जो है ना चमची बनाते हुए उसको बात तो लूदनी है ये हमने टहनी तोड़ दी और इससे हम बनाए ये बस राउंड है हाँ स्टार्ट बोल रहे हैं चलो सब अच्छा आप बोलते हैं ये लेशी भी चाहिए थी दोस्त तो ये हमारी बन गई चमची और इसी से हम पकाएंगे ये हमने अब लगानी है आग और यहाँ हो रही है प्याज की कटाई और अभी यहाँ टमाटर भी काटेंगे तो आग लगाते हैं यहाँ पर कितने दिनों के बाद आ रहे हैं यहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मौसम में बहुत सी तब्दीली आ गई है गर्मी होने लगी है अभी ये लगा ली आग हमने और प्याज हो रहे हैं ब्राउन ये काट लिए टमाटर और हमारा कुक बैठा है ये सामने ये देख लें और हम ये और मैं हम हैं खाने वाले अच्छा ये हमने किया है देसी जुगाड़ ये चम्मच गए थे जो चम्मच की जगह ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखें अब इसी पर गुजारा करना पड़ेगा हमें तो ये एक तरह का सरवाइव किया हमने ये जो चम्मच हमने ढूंढा है ना तो ये हमें सरवाइव में आ जाता है ये चीज़ ये हो रही है हमारी कुकिंग और अभी कुकिंग जब तैयार हो जाएगी तो हम खाएंगे आपको भी दिखाएंगे और इस टाइम वक्त हो चुका है 1:30 बज चुके हैं और जहाँ पर गर्मी हो रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा और ये देसी जुगाड़ वाला चम्मच भी हमने बना लिया और ये खड़ा है हमारा कुक ये है सरकिए का इलाका सरकिए ये रोड है सामने वो देख सकते हैं ये गोश्त डाल दिया है ये देसी गोश्त है देसी मुर्गा ये देखें जी ये हमारा मुर्ग चिकन तैयार हो गया देसी और ये हो रहा है सलाद तैयार सालन हमारा हो गया तैयार और अभी हम इसे उठाएंगे और सोच रहे हैं कि वहाँ एक दरख्त है वहाँ उसकी छांव के नीचे जाकर बैठें और वहाँ पर एंजॉय करें खाएं इसे तो अभी जाते हैं वहीं पर ये हमने वहाँ चूल्हे से उठा ली ये देगची और यहाँ पर ये खुला मैदान ग्राउंड ये देखें और ये कब्रिस्तान से हम अलहदा होकर यहाँ पर खुली जगह पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ बैठने की जगह बना रहे हैं और ये रोटी मेरे हाथ में ये रोटी यहाँ पर रखता हूँ मैं ये रोटी आ गई और यहाँ पर बैठ के इसी देगची में हम खाएंगे तो इसे कहते हैं एडवेंचर ये हम एडवेंचर कर रहे हैं एक ये देखो तो नहीं नहीं तले रख तले क्यों रखता है ठीक है यार रखते हैं ना समझे कर यार रिकॉर्डिंग थी ये तो फिर शुरू करते हैं खाना खाने के बाद मिलते हैं ये काली ख़त्म हमने और ये बच गई अब ये कौन करेगा ख़त्म ये ख़त्म करें यार उठो नहीं ख़त्म करो अब खुद कराना है ये हो गई एंड हमने खा ली जो पकाई वो खा ली अब हम जाएंगे वापस घर तो इजाज़त दें दुआ में याद रखें
कितने दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो भी दोस्त हैं मेरी तरफ से सलाम अर्ज़, अल्लाह हाफ़िज़।